तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से, जहां ढेकहा मोहल्ला स्थित भाजपा कार्यालय के समीप एक युवक की बीती देर रात अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना पर तत्काल मौके पर CSP शिवाली चतुर्वेदी सहित शहर के समस्त थाना प्रभारी पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम का जांच किया जा रहा है। एफसीएल टीम सहित डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है और घटनाक्रम का फिलहाल जांच किया जा रहा है। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक मृतक श्याम लाल आदिवासी जो खड्डी का रहने वाला है और मेरठ में रहकर मजदूरी करता था। बताया गया है कि उसकी पत्नी गोली जो रीवा में रहकर मजदूरी करती थी, उसकी पत्नी ढेकहा मोहल्ला स्थित शुक्ला जी के निर्माणाधीन मकान में रहती थी, जहां उसका पति श्यामलाल उससे मिलने आया था और दोनों रात में सो रहे थे। पत्नी ने बताया कि बीती रात्रि तकरीबन 2 बजे दो अज्ञात युवक आए और उसके पति के साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने एक साथी को बुलाने घटनास्थल से कुछ दूर चली गई और जब अपने साथी छोटे लाल आदिवासी निवासी ग्राम बुड़वा के साथ लौटकर वापस आई तो श्याम लाल की हत्या की जा चुकी थी। घटनास्थल पर पुलिस को पत्थर और लकड़ी के टुकड़े मिले हैं जिससे श्याम लाल की हत्या की गई है। यह पूरा मामला संदेहास्पद है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है वह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा समझ में आ रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से, जहां बीती रात्रि तकरीबन 2 बजे श्यामलाल आदिवासी नामक युवक की हत्या सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भाजपा कार्यालय के समीप कर दी गई है। निर्माणाधीन मकान में यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। अभी संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित उसके दोस्त छोटे लाल आदिवासी को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। फिलहाल घटना के पीछे का कारण क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर CSP शिवाली चतुर्वेदी सहित शहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी मौजूद है और पूरे घटनाक्रम का जांच किया जा रहा है। सुबह करीब 4-4:30 बजे FRV में इवेंट आया था कि यहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या की गई है। उसके बाद से हमारी टीम यहाँ पर है और लगातार जांच जारी है। इसमें जो भी जांच में आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। कहाँ से क्या आए थे, कौन व्यक्ति, कैसे रह रहे थे? ये खड्डा गांव है रामपुर नेकिन सीधी का, वहाँ का मजदूर है। एक कोई काम करता था बाहर, मेरठ साइड से लौटा हुआ था और साथ में इसकी वाइफ भी थी और ये लोग यहाँ पर कल बस रुकने के लिए आए थे। क्या नाम आपका? छोटे लाल। यहाँ मजदूर सुविधा भी आपका कर? जी साहब। आप यहाँ कल थे क्या घटना के समय? नहीं रहे। ये कैसे घटना हो गई? नहीं मालूम साहब कैसे हो गई। जो यहाँ सो रहे थे वो कौन है? साढ़ू भाई है। आपके? जी। क्या नाम उनका? श्याम लाल। इनकी हत्या हुई है? जी। तो कई लोग थे यहाँ जब घटना हुई? घटना हुई तो दोनों रहे हैं। कौन कौन? उनकी मैसेज रही है। मैसेज दोनों पति पत्नी रहे हैं। फिर पत्नी हमको जब लड़ाई यहाँ चालू हुई तो पत्नी गई हमको बुलाने, तो हम घड़ी नहीं देखे साहब, ये 2 बजे रहे हों, 2:30 बजे रहे हों, 1 बजे रहे हों, यह नहीं जानते। फिर बुलाने गई तो फिर ऐसे पड़े रहे हैं, ऐसे उठ के और ऐसे चले आए साहब, साइकिल उठाए और साइकिल के बाद खड़ी है। आप आए तो यहाँ क्या देखा? यहाँ हम आए तो देखे गेट ऐसा लगा रहा है, फिटकिली नहीं लग रही, बस उसको देख के उसको खोल के घुस गए। हम घुस के देखे साड़ू को, चोट लगी। तो किससे झगड़ा हो रहा था? पता नहीं साहब, हम मालूम नहीं किससे। पत्नी आपके पास पहुँची सूचना देने तो क्या बताई कि कैसे क्या हो गया? हाँ वो बताए कि झगड़ा हो रहा है। किससे झगड़ा हो रहा है? किसी कोई आदमी से है, पहचानती नहीं है। यहाँ पे क्या काम करते थे वो? कौन? वो लोग कुछ काम करते नहीं है। खत्म हो गया वो कुछ नहीं काम करते रहे हैं, मेरठ से आए हैं अभी। यहाँ कैसे रह रहे थे? वो हमारे साड़ू हैं, हमारे वहाँ जुगाड़ नहीं था रहने के लिए पढ़ने के लिए, तो हम बोले कि साड़ू भाई हमारे यहाँ पढ़ रहे हो तुम दोनों जाने और हम वहाँ ऐसे कहीं पड़े रहेंगे,
नाम क्या है इनका? ये पता नहीं। श्याम लाल। ये रहने वाले कहाँ के हैं? जी खड्डी 42। कब आए थे यहाँ रीवा? कल आए, कल। कल ही आए, कल ही कल मेरठ से आए। कल ही हत्या हो गई। मेरठ में क्या करते थे लोग? इधर से मेरठ से साड़ू आया और खड्डी से सरवाइन आए। अच्छा, यहाँ मिले सारी, यही मिले दोनों। हाँ, इधर किसका? इधर शुकुल, शुकुल जी का है। तो काम लगा था क्या? जी काम लगा था। हाँ काम लगा है। बढ़िया भैया, टच ना करें, सही से बता रहा हूँ।